ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं मूकबधिर समाचार का। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता गैस सिलेंडर और प्याज लेकर विधानसभा के बाहर पहुंचे, प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद थे। कांग्रेस का कहना है कि बढ़ती महंगाई को रोक पाने में सरकार नाकाम रही है। यूपी सरकार ने गन्ना किसानों को नई सौगात दी है। सरकार ने कहा कि अब गन्ने के तौल कम करने पर मिल के जीएम पर दोगुना जुर्माना लगेगा। सरकार ने तौल कम करने पर जुर्माना 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया है और कैबिनेट 22 सर्कुलेशन में गन्ना अधिनियम 1953 में संशोधन मंजूर कर लिया गया है। राम मंदिर निर्माण को लेकर मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर के बुनियाद के पिलर टेस्टिंग के दौरान फेल पाए गए, लिहाजा 1200 पिलर के बुनियाद स्ट्रक्चर की डिजाइन में संशोधन होगा। इसको लेकर देश के बड़े विशेषज्ञ 15 दिनों से मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। और अब बात वाराणसी की, जहां पर आईआईटी बीएचयू में जल्द ही इसरो का रीजनल स्पेस सेंटर खुलने वाला है। स्पेस सेंटर में अंतरिक्ष अनुसंधान पर अध्ययन और शोध होगा। इसके लिए इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईआईटी बीएचयू में अपना रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस की स्थापना करेगा। सेंटर बनाने पर आईआईटी और इसरो के बीच बुधवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत संस्थान की तरफ से निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन और इसरो की तरफ से सीबीपीओ निदेशक डॉक्टर पीवी वेंकट कृष्णन ने इस समझौते पर मुहर लगाई। इस समझौते के बाद संस्थान में बीटेक और एमटेक छात्रों के लिए शॉर्ट टर्म और एक वर्षीय प्रोजेक्ट भी शामिल किए जाएंगे। पीएचडी छात्रों को लॉन्ग टर्म आरएनडी प्रोजेक्ट्स में वरीयता दी जाएगी। साथ ही अन्य कार्यक्रम जैसे सम्मेलन, प्रदर्शनी और लघु पाठ्यक्रम भी क्षेत्र में ज्ञान का आधार बनाने के लिए आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सूत्रों के हवाले से खबर है कि जनवरी महीने से फिर से स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो जाएंगे और सरकारी दफ्तरों से इसकी शुरुआत होगी। आपको बता दें कि 12 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन अचानक 1.5 लाख स्मार्ट मीटर चलने बंद हो गए। इसके बाद से स्मार्ट मीटर का काम रुका हुआ था और अब 4 महीने के बाद फिर से स्मार्ट मीटर का काम शुरू हो सकता है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।